हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है और सड़कों पर दौड़ने लगी हैं एसी वाली बसें। यानी कि गर्मी में जब आप हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करेंगे तो आपको वहां पर अब शिमला वाली फीलिंग आएगी, कुल्लू मनाली वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि गर्मी अब आपको निश्चित आएगी और ये बस जो है अब सड़कों पर दौड़ने लगी है। रोडवेज के कर्मचारी हमारे साथ, सर क्या कुछ कहेंगे? रोडवेज की बसें पहले भी काफी अच्छी थी और एक बार फिर से एसी वाली बसें आ गई हैं। हरियाणा रोडवेज में करनाल डिपो में 7 बसें आई हैं एसी वाली बसें, और किराया भी इनका लगभग ठीक है और स्टॉप भी कम है और बहुत अच्छी सुविधा यात्रियों को दी गई है। पहले वाली बसों में और इसमें दोनों में क्या फर्क दिखता है? पहले वाली बसों में और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनमें इन चीजों का फर्क है, इसमें एसी ही बस है। आप इनके साथ में इधर देख सकते हो, यहाँ चार्जिंग पोर्ट सवारी के लिए, सवारी अपने फोन को चार्ज कर सकती है। यहाँ जो है बोतल रख सकते हैं सवारियाँ, अपना सामान यहाँ रख सकते हैं और पैरों को कंफर्टेबल रखने के लिए नीचे ये लगाए गए हैं। मतलब कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी? मतलब कि नहीं, इसमें यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। सर कितनी सीटें हैं इसमें? इसमें 52 सीटें हैं, पहले की तरह 52 सीटें हैं। जो पहले बसों में 52 सीटें होती थी, इसमें 52 सीटें ही हैं। ये फ्रंट सीट परिचालक की दे रखी है आगे, और इसमें पैनिक पैनिक स्थिति में ये इमरजेंसी बटन दे रखा है, आप इसको दबा के हेल्प ले सकते हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं रोडवेज की ये एसी वाली बस है, और इससे पहले आपने वोल्वो बसों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा होगा जिसमें जो एसी लगा होता है दिल्ली से चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाती हैं। लेकिन अब हरियाणा रोडवेज की बसें भी हाईटेक हो चुकी है, उसमें तमाम वो सुविधाएं आ चुकी हैं जो वोल्वो बसों में होती है। यानी कि जो गरीब आदमी था वो रोडवेज में सफर करता था, एसी वाली बसों में नहीं बैठते थे, वो अब हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर जो है दिल्ली चंडीगढ़ जा सकते हैं। सर अब दिल्ली चंडीगढ़ जा सकते हैं जी, कुल्लू मनाली भी जा सकते हैं, शिमला भी जा सकते हैं जी। अभी 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 और बसें आएंगी सरकार विभाग की तरफ से, बसें अभी और आएंगी यात्रियों के लिए। अच्छी सुविधा जो सरकार ने दे रखी है, यात्रियों को इनका फायदा उठाना चाहिए। तो सर क्या लगता है जो वोल्वो बसों में सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इसके अंदर? बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं इनके अंदर, सारी जैसे वोल्वो बसों में फैसिलिटी थी पूरी फैसिलिटी है। एसी बिल्कुल अच्छे से काम करती है, चिल्ड रहती है बिल्कुल बस अंदर से। तो बिल्कुल एसी वाली बसें आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की आ चुकी है। और लास्ट तक अगर मैं आपको लेकर चलूं तो बस में क्या क्या खासियत है वो आपको मैं गिनवाऊंगा। बस में अगर आप जब ट्रेन में आप सफर करते हैं तो वहां पर आपको जब सेकंड क्लास की आपके पास टिकट होती है, फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, तो आपको बैठने के लिए वो कंफर्टेबल सीट मिलती है। वही कंफर्टेबल सीट यहाँ पर है ट्रेन में जब आप सफर करते हैं, और वहां पर पानी की बोतल रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है, वो यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है। चार्जिंग पॉइंट आपको इस बस में मिल रहा है, इमरजेंसी डोर इसमें दे रखा है, और किस तरह जी जी यात्रियों की के लिए सीट बेल्ट भी प्रोवाइड करवा रखी है सरकार ने, और इमरजेंसी में जी जी अग्निशमन है नीचे। चार्जिंग पॉइंट सर जो बड़ी बड़ी बसों में होता है वोल्वो में होता है वो इसमें भी दे रखा है सर। आप जूम अपना कैमरा जूम करिए उधर देखिए, इसमें ये दे रखी है चार्जिंग पॉइंट। मैं पाथ लगा के दिखाता हूँ जी जी, जहाँ बसों में चार्जिंग पॉइंट, इधर देखिए ये चार्जिंग पॉइंट जो है विभाग की तरफ से सवारियों को प्रोवाइड करवा रखा है। मतलब कोई परेशानी अब रोडवेज के में सफर करने वाले को नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, रोडवेज अच्छी सुविधा दे रहा है यात्रियों के लिए, यात्रियों को चाहिए इनका फायदा उठाया जाए। सर क्या रोडवेज के जो यात्री हैं जो मतलब एसी बस में सफर नहीं कर रहे, जिन्हें दिल्ली चंडीगढ़ जाना है, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? उनसे ये अपील करूंगा कि आप एसी बसें विभाग ने सड़कों पर उतार रखी, आप सफर कीजिए, सफर का मजा लीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा बसों में नहीं होगी। तो बिल्कुल हरियाणा रोडवेज ने अब सड़कों पर दौड़ाने के लिए एसी बसों को शुरू कर दिया है। फिलहाल करनाल से दिल्ली चंडीगढ़ की यह सेवा शुरू हुई है, और बहुत जल्द जो है हरिद्वार, देहरादून या फिर अन्य स्टेशनों पर जो है एसी बस की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल हमारी आप सभी से ये अपील रहेगी, अगर आप वोल्वो बसों में सफर करते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ का, तो आप अब हरियाणा रोडवेज का भी एक बार आनंद उठाइए। हरियाणा रोडवेज की बसें जो है किस प्रकार से अन्य राज्यों में जाती हैं तो हरियाणा नंबर वन आती हैं, लेकिन इस बार वोल्वो बसें को टक्कर देने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें आ चुकी हैं। और एक बार फिर से सर मेरे साथ, सर हरियाणा रोडवेज की बसें जो है अन्य राज्यों से बेहतर मानी जाती हैं, तो अब एसी वाली बसें आ गई हैं तो और बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल, ये यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा जो है विभाग ने प्रोवाइड करवा रखी है, और अन्य राज्यों से तो हरियाणा रोडवेज पहले से ही नंबर वन है। अब और अच्छी सुविधा सर सरकार को ने विभाग को दिया, ये बड़ी अच्छी बात तो है। क्या लगता है अब गरीबों का जहाज जो है वो अब एसी वाला हो गया? बिल्कुल हो गया सर, अच्छी बात है, गरीब आदमी भी इसमें सफर कर सकता है, कम किराए में सफर कर सकता है। तो बिल्कुल जो है ये कहना आप गलत नहीं होगा कि गरीबों का जो हवाई जहाज है वो अब एसी वाला हो गया है, और लोग जो कह रहे थे कि वोल्वो बसों को टक्कर देने के लिए हरियाणा रोडवेज कुछ करे, तो अब हरियाणा रोडवेज ने वोल्वो को टक्कर देने के लिए एसी वाली बसों को सड़कों पर दौड़ा दिया है, और इसमें बैठती आपको शिमला वाली फीलिंग जरूर आएगी।